आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु हबीबी मुहम्मद अली मुबारक वसल्लम। चलो जी असी तुहाडे नाल शेयर करने आ सुक्का हलवा। सूजी दा जमा होया हलवा ते बहुत आसानी नाल जिहड़ा कि बन जांदा है और बहुत मज़ेदार बनता है। तो बहार दा मौसम आ रहा है जी, हर तरफ फुल ही फुल ने। तो यह फुलां दीआं बहारां दे विच असी यह हलवा बनाने आ ते इंजॉय करने आ। तो आ जाओ जी असी केड़ियां-केड़ियां सानू चीज़ां चाहीदियां होईआं होणगीआं। सानू तकरीबन 1.5 कप सानू घ्यो चाहिए है, तो 2 कप सानू सूजी चाहिए है, 1.5 कप सानू चीनी चाहिए है, 1 प्याली सानू दुध चाहिए है और थोड़ा जिहा सानू 1 प्याली दे करीब कप दे करीब सानू 2 कप सानू नारियल चाहिए है और 2 चम्मच सानू टीस्पून जिहड़े ने केवड़े दे केवड़ा एसेंस चाहिए है। तो हुण साढ़े बर्तन ने जिहड़े असी इन्हां नूं ग्रीस कर लेना है, बॉल अपने ग्रीस करके रख लेने ने। पहले ही ग्रीस करने 2 बर्तन चाहिए ने क्योंकि साडा थोड़ी जी पतली लहर च असी जमाना है। तो इन्हां नूं असी पहले ही ग्रीस कर लेना है, जरूरी है ग्रीस करना। और मैनू जिस तरह तुसीं फॉलो करोगे बच्चियों तो उस तरह ही इंशाल्लाह अच्छा जिहा बनेगा। बहुत सारिया फरमाइशां सी मेरी बच्चियां दीआं कि भाई हमें सिखाया जाए, तो मैं कहा चलो मैं अज बनानी हाँ। तो बच्चियाँ बनाने तो इंशाल्लाह जिस तरह मैं बनाना देखोगी उस तरह ही बनाओगियाँ तो इंशाल्लाह अच्छा जहा बनेगा। तो यह थोड़ा जहा असी ये थोड़ा जहा पा देंगे अपना ड्राई फ्रूट जरा असी खोपरा वगैरह कटिया या बादाम पिस्ते थोड़े थोड़े ऐड करके रख देंगे। तो दूसरी साइड पर असी हूँ अपना एक पैन लेना है। चलो जी एक सानू कढ़ाई चाहिए होएगी, कढ़ाई रखने हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलो जी 1.5 कप असी घ्यो पा दिता, ये घ्यो जिस तरह ही गर्म होएगा अपनी मर्जी ना ले लो, देसी ले लो तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा मज़ेदार खुशबू आएगी और अच्छा बनेगा। और देसी घ्यो दी तो अपनी ही जायका और मज़ा है। तो बस अच्छी है जिस तरह ही गर्म हो जाता है तो ये असी अपनी सूजी पा देंगे। जिहड़ी असी 2 प्यालियां सूजी ली है, 1.5 कप असी घ्यो लिया है और 2 प्याली सूजी लई है। इनू असी अच्छी तरह भुनना है, जिस तरह ही भुनन अपने भुनी जाएगी सुरख होने दे मराइल जाएगी। तो फिर असी ये ऐड करांगे जी चीनी और दूध जिहड़ा असी डिजोल्व करना है। दूसरी साइड पर असी रखने एक बर्तन रख दिता है, बर्तन रखने और उहदे विच असी चीनी डिजोल्व करनी है। शीरा वीरा तो कोई नहीं बनाना, असी बस असी तकरीबन असी रख दिता 1 प्याली जी असी दुध ली सी वह पाता दुध का और 1.5 कप असी चीनी जी असी लई सी असी हिला देंगे अच्छी तरह ताकि मेल्ट हो जाए चीनी ये डिजोल्व हो जाए अच्छी अच्छी जी तरह सारी चीनी के जड़े ने पार्टिकल जड़े ने दुध के डिजोल्व हो जाए। और दूसरी तरफ फिर असी अपनी सूजी नू देखने हैं, ए तो लापरवाही नहीं करनी बिल्कुल भी, अच्छा जहाँ भुनना है और बिल्कुल हल्की आग पर भुनना है, फिर ही एद मज़ेदार बनेगा वरना कच्चा रह जाएगा और मज़ा नहीं आएगा। भुनन दे विच खास ध्यान रखना है कि भुनन लग्या इधर उधर नहीं वेखना, ना ही अपना कोई और मतलब होना है टाइम जाया करना है कि भी इनू अच्छा जहा देखो असी साडा भुन रहा और इधर चीनी भी तकरीबन डिजोल्व हो चुकी है, चीनी थोड़ी जी और हो जाए, हल्की अग ते असी रखी है ताकि डिजोल्व होने तो बाद असी केवड़ा ये पा दें जिहड़ा असी 2 चम्मच लिया सी। अच्छा जहा हूँ बस इनू जो डिजोल्व हो जाएगा अच्छी जी साड़ी सूजी भुनेगी, नाल ही भुज चुकी सूजी साड़ी। तो उहदे च असी खोपरा पाता नारियल और नाल ही असी अपने हसबे जरूरत जिहड़े पिस्ते बादाम पा देने ने। बस इन्हों थोड़ी देर लिए भुनना है ताकि चीज़ें भी खोपरा और बादाम पिस्ते भी थोड़े जे थोड़े फ्राई हो जाए, तो फिर नाल ही जिहड़ा साडा वो असी ऐड करना है अपना जिहड़ा दूध और चीनी ऐड कर दिती। हुण असी इन्हें देखना इन्ना कु पकाना है कि यह जिहड़ा ना साडा एक जगह यकजा तेज आँच कर देनी है, फौरन नाल तेज आँच से पकाना है। चलो मैं अब आपको उर्दू में भी बता देती हूँ, मुझे सब कहते हैं उर्दू में भी बताया करें, तो मैं उर्दू में भी आपको बताती हूँ कि हमने पैन में सूजी फ्राई की,
सूजी फ्राई करने के बाद दूध जो हमने लिया था वो हमने इसके अंदर चीनी डिसॉल्व करके पका ली और उसको हमने ऐड कर दिया। दूध और सूजी भुनी अच्छी सी, उसके अंदर खोपरा और पिस्ताम पिस्ते डाले और साथ ही हमने वो डिसॉल्व दूध जो हमने डाला है अब हम इसको भूनने अच्छा सा। और ये बच्चियों की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, अल्लाह ताला सब बच्चियों को अपने घरों में बहुत सारी खुशियाँ दे। और एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक किया करें कि कैसा बना, कैसी रेसिपी बनी है। और मुझे अच्छा लगता है आप लोग मुझे जब बताते हैं कि जी हमने बनाया और बहुत मज़े का बना। तो ये बहुत सारी बच्चियों की फरमाइशें थी, चले अल्लाह ताला सब बच्चियों को अपने घरों में आबाद रखे। ये देखिए हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बस डिश आउट करने के बाद इसको थोड़ा सा हमने ठंडा होने देना है, अभी बहुत तेज़ गर्म है। और अपने हाथ का और अपना हर चीज़ का बहुत ध्यान से बच्चों बनाना है, आपने थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, गर्म गर्म होता है ये। तो बस इसके ऊपर हम थोड़ा सा बादाम पिस्ता जो है वो थोड़ा बच्चा था तो वो इसके ऊपर डाल देते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको पहले इसको सारा सेट कर लेंगे ऊपर से। तो बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, अपने घर वालों का और जिन जो जो रिश्ते हैं आपके साथ मुंसलिक हैं उनका बहुत सारा ख्याल रखें। और दुआओं के साथ मेरी सबकी मेरी दुआ है कि सब बच्चियों को अल्लाह के साथ अपने घरों में खुशियां दे और सबके दस्तरखान जो है अल्लाह ताला बहुत रहमतों और बरकतों से भरे रखे। तो बस हम अब इसकी थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो हम इसको थोड़ी शेप दे देंगे कटिंग। और तकरीबन इसको हम 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के लिए रख देंगे तो फिर ये जम जाएगा और बहुत सॉफ्ट और नरम बनेगा। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा बेटा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। तो बहुत सारी ढेरों दुआओं के साथ सबके लिए, शबान का महीना है, अल्लाह ताला सबके ऊपर अपनी रहमतें बरकतें हम सब की खुशियाँ अल्लाह के साथ सबके घरों में खुशियाँ अता फरमाए, सब बच्चों को सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और जो ज़िंदगी हमें अल्लाह पाक ने दी है उसे हमें सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें अल्लाह राह दिखाए। और अपना ख्याल रखना है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा और मुझे बताना है। ये देखें ये बहुत नरम और सॉफ्ट बना है, अभी थोड़ा सा और मज़ीद ठंडा होगा तो फिर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और खाएँगे तो बहुत चीज़ और मज़ेदार होगा। तो जी अल्लाह ताला सबके घरों में सबको अपनी सेहत वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह के साथ सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, बीमारों को शफा दे, सबको अपने अल्लाह हाफिज़।